छह महीने में पीएम मोदी को 4 इंटरनेशनल अवार्ड, जाने क्या है वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड देने का फैसला किया है। इसकी मंजूरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी दी। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुए। इससे पहले भी उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने की घोषणा हुई है। आइए जानते हैं मोदी को किन खास वजहों से मिल रहे हैं ये सम्मान। सबसे पहले बात करते हैं रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड की। बता दें, ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। जायद मेडल। 4 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद मेडल से सम्मानित करने का ऐलान किया था। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा था, भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और व्यापक रणनीतिक संबंध हैं, जो मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका से मजबूत हुए हैं, जिन्होंने इन संबंधों को बड़ा बढ़ावा दिया है। उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति उन्हें जायद मेडल से सम्मानित किया है। सियोल शांति पुरस्कार। फरवरी में दक्षिण कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह यह सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय और दुनिया की 14वीं शख्सियत हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान को मान्यता देते हुए और अमीर और गरीब के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए उनकी विशिष्ट आर्थिक नीतियां मोदीनॉमिक्स को श्रेय देते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि, विश्व शांति, मानव विकास में सुधार और भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया गया था। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। पर्यावरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के खिताब से सम्मानित किया था। पीएम मोदी के अलावा ये अवार्ड फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी दिया गया था। बता दें, मोदी को ये अवार्ड पिछले साल अक्टूबर महीने में दिया गया था।